देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी की पिछले 6 साल से सरकार चल रही है, उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि जो हमारे देश के महापुरुष हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके यहाँ तक कि गांधी जी का भी अपमानित करने का काम करते हैं। अब उन्होंने एक जांच का सिलसिला, पहली बार देश के इतिहास में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो निष्पक्षता के लिए मशहूर थे, लेकिन अब लगता है कि जैसे एनडीए का हिस्सा बन गए। अब ट्रस्ट की जांच कराने की बात कर रहे हैं, जांच कराइए, खुली किताब है, हर वर्ष उसकी स्टेटमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है कानून में उसकी भेजी जाती है, गृह मंत्रालय को उसकी जाती है, बाकी जो इनकम टैक्स उनको जाती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें इनकम टैक्स को पीछे लगाने की कौन सी बात है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश जिन मुद्दों पर चिंतित है उससे भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, शुद्ध रूप से जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहना चाहिए, प्रतिशोध की भावना से आज इनके ऊपर सवाल कोई उठा रहा है? कौन उठा रहा है? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं, बाकी सभी राजनीतिक दलों के कोई न कोई अपना इतिहास है जिसकी वजह से कोई जांच तैयार कर रखी है, उनको डराते धमकाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता की तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे तैसे करके दबाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कानून के विरुद्ध काम नहीं किया, खुली किताब है, जो जांच कराना चाहे कराए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं।